नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो दोस्तों, हम लोगों की एक वीडियो सीरीज चल रही थी लारावेल 10 की, जिसमें मैंने आप लोगों को एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना करके दिखाया था। तो इसमें काफी सारे व्यूअर्स को GD लाइब्रेरी का इशू आ रहा था। तो आज मैं क्या करूंगा, इस GD लाइब्रेरी के इशू को सॉल्व करूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा XAMPP फोल्डर में, ठीक है। तो मैं अपने XAMPP फोल्डर में हूँ। यहाँ पर आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा PHP नाम का फोल्डर, तो वहां पर आप लोग क्लिक कर देना और उस फोल्डर के अंदर आ जाना, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक फाइल देखने को मिलेगा php.ini, इसे आप लोग को क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है एडिट में और फाइंड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में लिखना है GD और इसके बाद यहाँ पर डाउन पे आपको चेक करना है, ठीक है, क्लिक करना है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आओगे और आपको कुछ इस तरह का लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सटेंशन इक्वल्स टू GD, हो सकता है आपके केस में यहाँ पर इस तरह से सेमी कोलन लगा हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेमी कोलन हटा देना है और इस फाइल को आपको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, अपने XAMPP सर्वर को फिर से स्टार्ट करना है। तो आप इसे स्टॉप करेंगे और फिर से स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपका लारावेल का प्रोजेक्ट टर्मिनल में पहले से स्टार्ट है तो आपको क्या करना है, उसे क्लोज कर देना है, ठीक है। आपको उसे क्लोज करना है और PHP आर्टिजन सर्व वाली कमांड दोबारा से आपको रन करनी होगी, ठीक है। और अगर आपको ये चेक करना है कि आपका GD लाइब्रेरी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आकर लिखना है लोकल होस्ट और यहाँ पर आप PHP इन्फो पर क्लिक कर देना, कंट्रोल F, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है GD, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो क्या लिख करके आ रहा है, GD सपोर्ट इनेबल। सो इसका मतलब ये है कि हमारा GD लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुका है और इसी वजह से यहाँ पर ये इसको इनेबल्ड दिखा रहा है। सो दोस्तों, आई होप आपको GD लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना समझ में आ गया होगा और इससे आपका GD लाइब्रेरी का इशू सॉल्व हो जाएगा, ओके। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।